वेलकम माय यूट्यूब चैनल ब्यास नारायण मिस्र हम डिस्कस कर रहे हैं टनल डायोड जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डायोड होता है टनल डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है जिसमें एक पी टाइप रीजन होता है और एक एन टाइप रीजन होता है बस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और टनल डायोड के जो पी जंक्शन डायोड है उन दोनों में सिर्फ ये डिफ्रेंस है कि जब पी जंक्शन डायोड टनल डायोड के फॉर्म में बनाया जाता है तो पी टाइप और एन टाइप रीजन में जो इम्प्योरिटी है वो ज़्यादा होती है तो हैवीली डोब्ड होने के कारण जो डोनर और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और उसमें जो कंसंट्रेशन होता है वो लगभग टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर एटम्स पर मीटर क्यूब में मतलब वन मीटर क्यूब के अगर हम वॉल्यूम देखें तो उसमें टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर लगभग इम्प्योरिटी होती है इम्प्योरिटी हाई होने के कारण इसका जो विड्थ है जो डिप्लेशन रीजन का विड्थ है वो लगभग टेन की पावर माइनस सेवन मीटर या इससे भी कम होता है ये काफ़ी स्मॉल होता है जो कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड है जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसके कंपेयर में जो टनल डायोड का जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके डिप्लेशन विड्थ डिप्लेशन रीजन की विड्थ काफ़ी कम होती है इसका जो स्टैटिक करेंट वोल्टेज है आईवी वी करेक्ट्रिस्टिक्स है वो कन्वेंशनल डायोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस जो ये जो न्यू डायोड है टनल डायोड इसको एल इसकी ने 1958 में डिजाइन किया इन्वेंटेड किया इसका जो करेक्ट्रिस्टिक्स वीआई आई ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है ये इसका करेक्ट्रिस्टिक्स ग्राफ है इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज को एक्स एक्सिस में और करंट को वाई एक्सिस में लिया गया है करंट मिली एम्पियर में मेजर किया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मली हम जब हम एक फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज लेते हैं तो रिवर्स बायस में आप देख सकते हैं कि रिवर्स तो बायस में इसका जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा इस तरह से इम्प्रूव होता है थोड़ा सा रिवर्स वायस में इस तरह से मूव करता है ये जो ओ ए पार्ट है ये रिवर्स वायस का करंट है जब हम इसको फॉरवर्ड वायस में करते हैं तो स्टार्टिंग में जो इसका जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल पी जंक्शन डायोड के रिस्पेक्ट में ही होती है उसके बाद जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो करंट बढ़ता जाता है एक ऐसी सिचुएशन आती है इस सिचुएशन में कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज उसको वैल्यू वोल्टेज और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है उसको हम वैली करंट कहते हैं और इससे जैसे हम ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो करंट बढ़ना चाहिए अब वो करंट क्या होने लगता है डिक्रीज होने लगता है और डिक्रीज होते, होते 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 ये एक पॉइंट सी तक पहुँच जाता है ये जो बी पॉइंट पर जो करंट है इसको पीक करंट कहते हैं पीक करंट कहते हैं वैली करंट नहीं कहते थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है वो पीक करंट है और सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है वो वैली करंट है पी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो पीक वोल्टेज है इसको हम भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भी पी यहाँ हम लिख सकते हैं भी पी भी पी से रिप्रेजेंट करेंगे और सी के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है उसको हम वैली वोल्टेज बोलते हैं वैली का मतलब होता है एक तरह से घाट जैसे एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है तो इस तरह से जब कोई स्ट्रक्चर बनता है तो वैली बनता है इसको है ना पहाड़ों में ये अक्सर रहता है तो ये वैली वोल्टेज हो गया इसके बाद हम फिर से अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसका करंट अब जैसे यहाँ ओ बी के रीजन में जो करंट है तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट लीनियरली इंक्रीज होता था मतलब ओ और बी के बीच में जो रीजन है वो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है लीनियरली था लेकिन बो, वैली वोल्टेज के बाद सी और डी का जो रिलेशन है ये भी है तो लीनियरली लेकिन यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने से करंट उतने लेवल में नहीं बढ़ता बाकी जो इसका सी से डी के बीच में जो करंट है वो कन्वेंशनल पी एन जंक्शन डायोड के अकॉर्डिंग ही होता है जो टनल डायोड की जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स मिलती है वो बी और सी के बीच में ही मिलती है जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक इस, इस रीजन को निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी कहते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं ये टनल डायोड को रिप्रेजेंट किया जाता है पी डायोड एन डायोड इस तरह से एरो बना करके और इस तरह से इसको ब्लॉक कर देते हैं ये टनल डायोड का सिंबल है सर्किट सिंबल है अगर इस तरह से कहीं सर्किट सिंबल दिखे तो आप समझ सकते हैं कि वो टनल डायोड है अगर ये सर्किट सिंबल दिख रहा है इसका मतलब वो टनल डायोड है इसकी करेक्ट्रिस्टिक्स कुछ इस तरह से हैं कि जैसा कि हमने डिस्कस किया रिवर्स वो ये जो रीजन होता है वो रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स होता है और यहाँ पर टनल डायोड लीनियर होता है सेकंड में जब हम इसको फारवर्ड बायस में लगाते हैं तो पहले वोल्टेज इंक्रीज होता है करंट भी इंक्रीज़ होता है इसके बाद ओ बी पॉइंट पे जो पीक करंट मिलता है उसके बाद वोल्टेज जो है डाउन होने लगता है जैसा कि हमने हमने एक्सप्लेन किया यहाँ से देख सकते हैं ओए जो है रिवर्स बायस का है ओ बी में ये फॉरवर्ड बायस का है वोल्टेज बढ़ाते हैं यहाँ आई पी हो वो सॉरी वी पी होगा वी पी वोल्टेज है पीक वोल्टेज है तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हमने एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें यहाँ पे राइट डाउन है आप इसका एक नोट्स बना सकते हैं ये पूरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है हमने इसको एक्सप्लेन किया इसको आप एक नोट्स बना सकते हैं इसमें पीक वोल्टेज पर भी पर जो स्लोप होता है डी आई अपन डी वी का वो जीरो होता है इसी तरह से वैली वोल्टेज पर भी जो इसका स्लोप इस होता है डी आई अपन डी वी करेक्टिस्टिस का जो स्लोप होता है वो भी जीरो होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यहाँ पर स्लोप जीरो होता है स्लोप जीरो होने का मतलब थोड़ा ये ए, क्या बोलते हैं बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कैसा है ये थोड़ा सा स्लोप जीरो होने के बाद थोड़ा सा पैरेलल है इसी तरह से सी पॉइंट पर भी वैली वोल्टेज का स्लोप जीरो है मतलब थोड़ा सा ये पैरेलल जाएगा तभी तो स्लोप जीरो होगा तो इस तरह से हमने टनल डायोड डिस्कस किया काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक like करें शेयर करें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें थैंक यू वेरी मच